खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। फहद, फहद प्लीज, फहद तुम एक दफा मामा से बात करो, मामा तुम्हारी बात जरूर सुनेंगी। शट अप, मैं उनसे नहीं बात करूंगा। मम्मा से बात कर लो फहद। मेरे बच्चे, अल्लाह ठीक तो होंगे ना? फहद। हेलो मम्मा। फहद मेरे लिए प्लीज। कैसे हो तुम लोग? सब ठीक तो है? मैं तुम्हें याद कर रही थी। आप मुझे याद क्यों करती है मामा? आपको पता है अगर आप आना चाहें तो आप आ भी सकती है। मैं नहीं आ सकती तुम लोगों के पास। क्यों मामा? मुझे पता है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती ना तुम्हारी है और ना ही मेरी। बस किसी और की गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। मॉम, तो फिर आखिर गलती हुई किससे? आप हमें बता क्यों नहीं देती? बताने से क्या हो? क्या वो सारे साल लौट आएंगे? मम्मा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अगर पापा ने कुछ किया है तो आप हमें बताएं, हम आपके पास आ जाएंगे। नहीं, तुम लोगों को अपने पास नहीं बुला सकती। जो मुस्तकबिल तुम्हें अदनान दे सकते हैं, वो मैं नहीं दे सकती। मेरे पास तो खुद सर छुपाने की जगह नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ ये नहीं कर सकती। क्यों हमें सजा दे रही है मामा आप? किस बात की सजा है ये? सजा तो मैं भुगत रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कर्म से गुजर रही हूँ। मेरी जान, तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं, उनको तंग मत करना और तुम दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखना। मामा, 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 हम ना मामा ने फोन काट दिया। मामा को कॉल करो। हम ना मामा को कॉल करो, उन्हें कॉल करो। हम ना हमने कॉल क्यों नहीं लग रही है? बोलो।